crisis in the therapist life it's not important that the crisis only comes into the life of the client but there comes the situation when the crisis can be faced by the therapist themselves Therapists can experience calamities with little time to make modification for their clients and other professional commitments the therapist who for example falls acutely ill must deal with revised session six scheduling how much to disclose to clients एंड हाउ द थेरेपिस्ट शूड रिफर क्लाइंट्स इफ़ दे बिकम नेप्ट सर्विसज यू नो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट इन अ गिवन सिचुएशन अगर एक जो थेरेपस्ट है वो बीमार हो जाता है उसको किस तरीके से अपने जो सेशंस हैं उनको उसने स्केजल uh, करना होगा एडवास में कैसे उसने कुछ इम्पोर्टेंट जो क्लाइंट्स हैं उनके सेशनस को उसने शिफ्ट करना होगा टू अदर पर्सन और उनकी नीड देखनी होगी कि क्या वो एडवास में हमें उन्हें शिफ्ट करना आसान है या फिर हम उनको ज़रूर किसी और को रेफर करेंगे और कैसे हम अपने एबसेंस में अपने क्लिनिक को और अपने हॉस्पिटल की जो सेटिंग्स हैं उनको हम कैसे डील करेंगे और क्लाइंट को ये कितना डिस्क्लोज करना है कि थेरेपिस्ट जो है वो किस क्राइसिस से या किस प्रोफेशनल प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लाइंट फेल्ट इंक्रीजिंगली इरीटेटेड एज हर काउंसलर बिकम अनरिस्पॉन्सिव एंड डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द सेशन अब ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक क्लाइंट बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा है कि उसका जो थेरेपिस्ट है वो प्रॉपरली शायद उसको अटेंड नहीं कर पा रहा एंड क्लाइंट कंप्लेंट अबाउट इट एंड थेरेपिस्ट अपोलोजाइज और वो उसको कहता है कि मेरी जो है वो थ्री ईयर्स की जो ग्रैंड डॉटर है जो उसकी तीन साल की ग्रैंड डॉटर है वो एक एक हादसे का शिकार होगी और वो फैमिली पूल के अंदर जो है वो ड्रोन हो गई थी कुछ दिन के पहले सो आई एम प्रोमोटाइज और मैं अभी अपने आप को शायद कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब क्लाइंट को ये पता लगता है कि थेरेपिस्ट भी किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो बहुत सिंपथाइज करता है और वो अपनी सिमती को एक्सप्रेस करके और वो सेशन जो है उसको क्लोज करके चला जाता है नाउ इन दिस केस द काउंसलर डिड नॉट हैंडल हर यू नो अंडरस्टैंडेबल पर्सनल ग्रीफ एज इट एफेक्ट्स हर क्लाइंट्स एज वेल अब इस सिचुएशन में क्या हुआ जैसे बींग अूमन बींग उसकी इतनी uh, उसमें ग्रीफ इतना हाई लेवल पे था लेकिन वो उसको प्रोफेशनली जो है वो ओवरकम नहीं कर सका और उसने अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर दिया तो क्लाइंट जो है उसके ऊपर उसका क्या एडवर्स रिएक्शन होगा अ क्लाइंट फेल्ट इग्नोर्ड एंड देन फोर्स टू डील विद फीलिंग्स के वो तो पहले ही परेशान था और मैंने भी उसको ऐसे कह दिया अब वो तो पहले ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आया हुआ है और उसके अंदर एक गिल्ट की फील फीलिंग एक शेम की फीलिंग एक अजीब सी ट्रिवियल कंडीशन जो है वो क्लाइंट के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसके पीछे रीजन क्या होगी कि जो थेरेपिस्ट था वो अपने पर्सनल ग्रीफ जो है उसको उसने शेयर कर दिया और वो उसको अपनी इमोशंस को जो है वो थेरेपी के सेशन में कंट्रोल नहीं कर सका थेरेपिस्ट नीडेड मोर टाइम बिफोर कमेंसिंग देयर प्रैक्टिस जब भी एक ट्रेनिंग के बाद एक इंडिविजुअल थेरेपिस्ट बन जाता है उसको फिर भी बहुत सारी ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है कि वो अपनी थेरेपी को फॉर्मली कमेंस करे शी माइट हैव अपॉइंटमेंट्स और रेफरिंग अर्जेंट टू बैकअप थेरेपिस्ट एक्सप्लेनिंग टू हर पेशेंट्स दैट शी नीड्स टाइम टू डी विद्रेसिंग फैमिली मैटर्स नाउ दे कु डिफरेंट सिचुएशन के अगर आप किसी ऐसी ग्रीफ के सिचुएशन में हैं या किसी एक पर्सनल ट्रामा की कंडीशन में है तो किस तरीके के साथ क्लाइंट के साथ डील करना है क्या उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनकी कैंसिल करनी है उनको रेफ़र करना है उनको एक्सप्लन करना है या किस तरीके से आपने डील करना है या उनको कितना बार बैटम देना है कि आई एम मिडल ऑफ समथिंग या मैं किसी फैमिली क्राइसिस को डील करी हूँ या उनको पूरी स्टोरी बतानी सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपने क्राइसिस को हैंडल करना जो है वो भी एक आर्ट है उसे भी लर्न करना चाहिए देन इन दिचुएशन डिस्क्राइब द क्लाइंट अ नोट फॉर अपोलोजाइजिंग दैट नॉट रिकगनाइजिंग हर ओन नीड फॉर मोर पर्सनल टाइम एंड फॉर एनी डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ दैट द सिचुएशन इज कॉज अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है इस केस के अंदर ये जरूरी है कि एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जो है वो अपोलॉजी का एक नोट अपने क्लाइंट को लिखे और उसको कहे कि तो उसको अपने पर्सनल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए अभी मजीद टाइम चाहिए था जो उसने नहीं लिया जिसकी वजह से ये गिवन सिचुएशन क्रिएट हुई ताकि वो क्लाइंट जो एक साइकोलॉजिकल इलनेस का पहले ही शिकार है वो मजीद इस तरह की शेम और गिल्ट की फीलिंग्स में और मिक्स फीलिंग्स में ना आ जाए कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ है सो वो मी मेड टू कीप द थिंग्स वेरी यू नो नीट एंड ऑर्डर एंड एंड क्लिन कि एक बंदे की वजह से किसी दूसरे को जो है वो उस तरह के इमोशनल जो हैं वो फ़ेस ना करने पड़े तो सबसे पहले एक थेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे अपने क्राइसिस को ड्यूली हैंडल करे उसके बाद जो है वो अपना टाइम गेन करने के बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको हैंडल करें